नमस्कार प्रिय दर्शकों आज हम तुला राशि वार्षिक राशि पर दो हजार तेईस में तुला राशि को क्या फल मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही साथ करियर शिक्षा वित्त पारिवारिक संतान विवाह व्यापार संपत्ति और वाहन धन और लाभ स्वास्थ्य भाग्यशाली अंक और ज्योतिष उपायों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व आप यह जान लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है और गोचर में भी अच्छी स्थिति में है तो वह अच्छा तो फल देगा अगर वह गोचर में अच्छी स्थिति में है और कुंडली में खराब स्थिति में है तो वह सामान्य फल देगा अगर वह गोचर में भी खराब स्थिति में है और कुंडली में भी खराब स्थिति में है तो वह खराब फल देगा यानी अच्छा फल नहीं देगा तो इसलिए वीडियो देखते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा तुला राशि दो हजार तेईस के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक श्री शनिदेव महाराज जी आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहेगी लेकिन सत्रह जनवरी को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगी और यहाँ से आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने में आपकी मदद करेगी इसके साथ ही जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आपकी दया भी समाप्त हो जाएगी देव गुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में में विराजमान रहेगा यह समय आपके जीवन में थोड़ी परेशानी लेकर आ रहा होगा क्योंकि इस वजह से आपको शारीरिक समस्या हो सकती है खर्चों में बढ़ोतरी होने की भी योग बनेगी और कुछ समस्या आएगी आप सही निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगी यह गुरु का गोचर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलता प्रदान करेगा आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी व्यापार में भी उन्नति के योग बनेगे जीवन साथी से अनबन होने से भी अब कमी आएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएगी जो कुछ गुरुजनों या पिता सम्मान लोगों से कहा सुनी या मतभेद चल रहे थे वह अभी दूर हो जाएंगे और स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी बृहस्पति महाराज राव के साथ युति करेंगे और मई में गुरु चंदादोशी का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव दे सकता है लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बदलेगी तुला राशि राशि पर के अनुसार अक्टूबर को राहु का गोचर मीन में में छठे भाव होगा यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल होगा इस गोचर के दौरान आपको अपने विरोधियों पर विजय मिलेगी वह चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपके शत्रु का दमन होगा कोर्ट कचेरी के यदि आपके कुछ केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी इसके साथ ही एक खास बात और है कि गोचर काल में आपके इस विदेश यात्रा की भी योग बनेगी केवल इतना ही नहीं अन्य सभी ग्रह जैसे सूर्य मंगल बुध शुक्र चंद्र आदि भी वर्ष दो में अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे उनके गोचर से आपको जीवन में अनेक तरह के शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम प्राप्त होंगे यह सभी प्रभाव कब कहाँ कैसे प्राप्त होगे यह सब आपको आगे के वीडियो में जानने को मिलेगा तुला राशि फल दो के अनुसार तुला राशि के जातकों के जीवन का वर्ष दो एक ऐसा साल साबित हो सकता है कि जब आप अपने चुनौतियों से ग्रासित होकर थोड़े परेशानियाँ महसूस कर रहे होंगे शारीरिक समस्या भी हो सकती है मानसिक तनाव भी रहेगा लेकिन इन सब चुनौतियों को दर किनारे करते हुए वर्ष के मध्य में आप अपनी तरक्की के राह पर आगे बढ़ेंगे और जीवन में अनेक तरीके से महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे आपको अपनी चुनौतियों में विजय मिलेगी चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा हो सभी जगह पर आपकी विजय होगी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत मिलेंगे एक से ज्यादा आमदनी के साधन और पक्के साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं इस वर्ष विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे नौकरी में वर्ष की शुरुआत में ही बदलाव आ सकता है इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाएं वर्ष 2023 में आपको प्राप्त होगी और ग्रह का राशि गोचर आपको अनेक प्रकार के परिणाम प्रदान करेगा जनवरी का महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगी लेकिन आपको अपने काम में सफलता मिलेगी आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलेगी नौकरी में बदलाव भी संभव है पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहेगी घर वालों का बर्ताव आपको खुशी देगा आपके आसपास का माहौल बड़ा रोमांटिक रहेगा प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पल की प्राप्ति होगी तुला राशि फल दो हजार तेईस के अनुसार फरवरी का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा सेहत में गिरावट आ सकती है अच्छे खान पान पर ध्यान न देने के कारण स्वास्थ्य समस्या परेशानी के कारण बन सकता है यदि ध्यान नहीं दिया तो मधुमेह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है खर्चों में बढ़ोतरी होगी विदेश यात्रा के योग बनेगी मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा आपसी आकर्षण और रोमांस के योग बनेंगे व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा स्वास्थ्य में, में सुधार होगा खर्चों में कमी आएगी और आमदनी स्थिर होने लगेगी अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा खर्च कराएगा गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे लेकिन इसके साथ ही उत्तम धन लाभ के योग भी बनेंगे अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है किसी तरह की पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की भी संभावना रहेगी वाहन से संबंधित परेशानियां हो सकती है मई मैं के महीने में अचानक से भाग्य आपका साथ देते हुए नजर आएगा जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वे पूरे होने लगेंगे इससे आपका आत्मविश्वास लौट आएगा पूरे मनोबल के साथ आप अपना काम करेंगे नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे और आप लंबी ट्रैवलिंग करेंगे कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा प्रेम संबंध भी मजबूत होगे तुला राशि के वार्षिक राशि पर दो के अनुसार जून के महीने में करियर में उठा चढ़ाव की स्थिति बनेगी अचानक से आपको कुछ ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने विचार न किया हो लेकिन आप उन चुनौतियों से निकल जाएंगे पारिवारिक माहौल शांतिपूर्वक रहेगा घर परिवार की सुख शांति में बढ़ोतरी होगी घर में नया कोई वाहन आ सकता ही तुला राशि बल हो जाती है इससे संकेत देता है कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया महीना साबित होगा इस महीने में उत्तम आर्थिक लाभ के योग बनेंगे आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वही से आपके हाथ में धन आने के योग बनेंगे यह समय आपकी इच्छा की पूर्ति का समय होगा आप जो चाहे वह कर पाएंगे आपके प्रेम संबंध में उत्तम रोमांस होगा और आपका रिश्ता परिपक्का होगा अगस्त का महीना आमदनी में कुछ गिरावट लेकर आ सकता है आपको अपने काम में बहुत ज्यादा बारीकी से और ध्यान देकर काम करने की जरूरत पड़ेगी यदि नौकरी करते हैं तो इस दौरान अपने काम पर पूरा ध्यान रखें क्योंकि काम में एक गड़बड़ी भी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है यह समय थोड़ी परेशानी लेकर आ सकता है घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है तुला राशि फटोजार तेईस के अनुसार सितंबर के महीने में आपको कुछ यात्रा करने का मौका मिलेगा घर परिवार में चल आ रही जिम्मेदारियों को निभाने पर आपको ज्यादा ध्यान रहेगा और यह बहुत आवश्यक भी होगा क्योंकि घर परिवार को आपकी जरूरत पड़ेगी आवश्यक घरेलू खर्च भी होगी और कार्य क्षेत्र में मेहनत और काम का दबाव रह सकता है अक्टूबर का महीना फिर से एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने वाला साबित होगा आपकी आमदनी अच्छी बढ़ेगी आप दिनों दिन तरक्की करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति होगी इसी के साथ आपका आत्मविश्वास लौटेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ होगे एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त बिताने का मौका मिलेगा शादी से संबंधित कोई सुख सूचना मिल सकती है पढ़ाई में सफलता मिलेगी विद्यार्थियों का नाम रोशन होगा और विवाहित लोगों को संतान का सुख मिलेगा नवंबर के महीने में आप यदि अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आर्थिक स्थिति में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे आप जीवन का उत्तम आनंद लेंगे और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए दोनों हाथों से पैसा खर्च करेंगे जहां आपको अपने धन खर्चों पर ध्यान देना होगा उसे नियंत्रण में रखना होगा विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट आ सकती है दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा रुके हुए कामों में तेजी आएगी दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना आकर्षण और रोमांस का योग बनेगा इस दौरान आपका मन खुश रहेगा आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देने चाहेंगे और आपका व्यापार भी उन्नति करेगा तुला प्रेम राशि फल दो तुला प्रेम राशि फल दो के अनुसार वर्ष दो तुला राशि के लोगों के प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी लेकिन आपके प्यार की परीक्षा भी होगी वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके छोटे भाव में होंगे लेकिन सत्रह जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी बाईस जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे इस दौरान आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा इसके बाद शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होते हुए आपके अच्छे और बुरे प्रभाव प्रदान करेगा लेकिन शनि के पंचम भाव में बने रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी रखनी होगी नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है बाईस अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं, यह वर्ष आपका प्रेम विवाह करा सकता है तुला राशि दो तेईस के अनुसार जनवरी फरवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने में प्रेम संबंधों में मजबूती लेकर आएगा एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा तुला करियर राशिफल दो वैदिक ज्योतिष पर आधारित तुला दो हजार तेईस कर के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के जातकों के वर्ष शुरुआत में आत्म मंथन की आवश्यकता पड़ेगी आपको यह समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर महसूस कर रहे हैं उन क्षेत्रों को अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं करियर में शुरुआत में ही कोई बदलाव आ सकता है और जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे यह आपके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकता है यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में है तो इस दौरान आप अपनी नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है यदि आप सरकारी सेवा में है तो इस दौरान आप किसी भी बढ़िया और अच्छी जगह स्थानांतर भी हो सकते हैं जहां आपकी तनख्वाह भी पहले से मुकाबले ज़्यादा होगी यह बदलाव आपके भले के लिए यही होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में उठा चढ़ाव लेकर आ सकता है अपनी तरफ से ही सही निर्णय लेकर ही आप इन परेशानियों से बच पाएंगे तुला शिक्षा राशि पलटोधारेस तुला शिक्षा राशि पलटो हजार के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत से बड़ा समय रहने वाला है शनिवार आपकी कड़ी परीक्षा लेगे और आपको कड़ी चुनौती भी देगी यदि आप अपनी तरफ से आलस का पीछा नहीं छोड़ेगी आपको पढ़ाई से पिछड़ने से कोई नहीं बचा सकता शनिदेव यह शिक्षा देता है कि आपको अनुशासन होकर एक कच्चा टाइम टेबल बनाना चाहिए उसको पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी कि वह हो वापस लौटकर आए क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए बहुत जरूरी होगी हालांकि वर्ष के मध्य से अप्रैल से स्थितियाँ बदलने लगेगी और तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है अपनी ओर से पूरी कोशिश जारी रखें फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने की विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी लेकिन जनवरी फेबरुअरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में भी कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती है इसलिए अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और पूरा ध्यान रखें बाहर जाकर पढ़ाई करने की अच्छा रखते हैं तो उसके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय उत्तम रहेगा इस दौरान किया गया प्रयास सफलता दिलाएगा और आप बाहर जाकर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं तुला वित्तीय राशि बलटोदा टेस्ट राशि राशि के अनुसार जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी वर्ष की शुरुआत में ही तो जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर आपके सप्तम और एकादश भाव को दृष्टि डालेगी यह आपकी आमदनी में बहुत बढ़िया वृद्धि कराएगा वित्तीय स्थिति को सुधारेगा और शनि की इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी बची कुचि कसर बृहस्पति महाराज अप्रैल के महीने में पूरी कर देगी जब वे सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव तीसरे भाव और एकादश भाव में देखेंगे इन ग्रहों की कृपा से आप वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहेगा यह आपको कोशिश करनी होगी कि यह संतुलन न बिगड़े हालांकि जब राउु का गोचर आपके छठे भाव में अक्टूबर के अंत में होगा तब तो से आपके खर्चे में आशातित बढ़ोतरी होने के योग बनेगी उस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है वित्तीय मामल में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कुछ वित्तीय जोखिम लेने चाहते हैं तो वर्ष के अंतिम महीनों में ले सकते हैं तुला पारिवारिक राशिफल दो हज़ार तेईस तुला पारिवारिक राशि फल दो हजार तेईस के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत से ही कुछ तनाव लेकर आएगा लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा तो चुनौतियों में कमी आएगी बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के लोगों के बीच प्रेम और प्रगढ़ता बनी रहेगी जो छोटी मोटी समस्या या वाद विवाद चल रहे थे उनमें भी कमी आएगी आपको विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपसी झगड़े कलह आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस दौरान आपके पिताजी की सेहत में भी बड़ी गिरावट आ सकती है इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी भी आवश्यक होगा आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चों भी करेंगे और घर की जरूरतें और जिम्मेदारियों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा जिससे आपके घर के प्रति जवाबदारी बनी रहेगी हालांकि इसका आपको अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा और परिवार वालों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा वह आपको महत्व देगी वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है लेकिन मई स्थितियाँ अच्छी होगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा तुला संतान राशि फल दो हजार तेईस संतान राशि फल दो हजार तेईस के अनुसार आपकी संतान के लिए यह वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा शनि महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान के लगातार मेहनत करवाएगी उनके ऊपर उनकी पढ़ाई का और यदि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनके काम का काफी प्रेशर रहेगा लेकिन यही काम का प्रेशर या यही पढ़ाई का प्रेशर उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगा क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहनबान रहेगी वह एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे अब की संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्या आ सकती है इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखें उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां में सुधार आना शुरू हो जाएगा और उनकी चुनौतियों में कमी आएगी वे अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न करेंगे और स्वयं को सुदृढ़ बना सकेगे नवंबर और दिसंबर के महीने में उनके लिए विशेष सफलतादायक महीने साबित होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगी तुला विवाह राशि फल दो तुला विवाह राशि फल दो के अनुसार वर्ष दो में वैवाहिक जीवन को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं वर्ष की शुरुआत में ही राहुल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेगी जब जनवरी के महीने में शनि का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा तो वह भी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे इस प्रकार दोनों क्रूर ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव में होगा जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है यहाँ पर मंगल महाराज भी तेरह मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना होगा सचिवाल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है हालांकि इसके बाद परिस्थितियां बहुत हद तक सुधर सकती है बाईस अप्रैल को जब देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु का गुरु गुरुचंद्र दोष बनेगा इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस दौरान विवाह में विघटन की स्थिति बन सकती है मई के बाद से स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी तीस अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएगा और अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने दामपट्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा आप अपनी संतान को लेकर भी दोनों व्यक्ति कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे जिससे आपका रिश्ता भी परिपक्का होगा और आप एक दूसरे के ओर निकट आएंगे वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं तुला व्यापार राशि फल दो हज़ार तेईस उलाहषि पदोदा 30 के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में का होना आपको उल्टी सीढ़ी योजनाओं और शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा यदि आप इस पर फोकस नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो आप बड़ी भारी चुनौतियों में गिर सकते हैं किसी तरह की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है इसलिए बहुत सावधानी रखें और विशेष रूप से मई के महीने में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी नहीं तो व्यापार में हानि भी हो सकती है बदनामी भी मिल सकती है मई के बाद से भाग्य काफ़ी हद तक आपके पक्ष में करवत लेने लगेगा और आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा आपके विदेशी संपर्कों से आपको जुलाई अगस्त में लाभ मिलने लगेगा सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे जो व्यापार की गति में परिवर्तन करेगी और व्यापार के विस्तार को आगे बढ़ाएगी नवंबर दिसंबर के महीने में आप अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और उसी के दम पर आप अपने व्यापार को उत्तम स्थिति पर लेकर आएंगे और समाज में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ कर काम करने का मौका भी मिलेगा इस प्रकार वर्ष के अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा तुला संपत्ति और वाहन राशि पोटो जाटेस तुला राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वह संपत्ति के दृष्टिकोण से सामान्य से कुछ बेहतर रहने की संभावना है यदि आपकी संपत्ति की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि मई से जुलाई के बीच का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस दौरान आप कोई अच्छी संपत्ति खरीदने की संभावना बनेगी आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपना घर लेने या कोई बड़ा आवश्यक भूखंड खरीदने की कोशिश कर सकते हैं उसमें शुरुआत में कुछ समस्या भी होगी लेकिन किसी ना किसी तरह से लोन लेकर आप अपना पूरा काम कर ही लेंगे इससे आपको खुशी मिलेगी इस वर्ष जनवरी जून और दिसंबर के महीने में आप कोई नई गाड़ी खरीदने में सफल हो सकते हैं हालांकि अप्रैल के महीने में वाहन दुर्घटना के प्रति थोड़ी सावधानी रखें इस दौरान वाहन में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है तुला धन और लाभ राशि फल दो तुला राशि वालों के लिए यदि वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो यह वर्ष आपको पहले कुछ चुनौतियां देगा और अच्छे खर्च कराएगा जिससे धन लाभ की स्थितियाँ सीमित हो जाएगी लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा शनि महाराज आपके लिए आमदनी का एक पक्का जरिया प्रदान करेंगे जिससे वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होती रहेगी आप अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों से पीछे हट जाएंगे बृहस्पति महाराज जब अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेगी तो खर्चे बड़े चले रहेंगे आर्थिक रूप से आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे क्योंकि धार्मिक कर्म और अन्य महत्वपूर्ण कामों पर आपके खर्च होंगे यह खर्च ऐसे होगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगे आप इनसे मुँह न मोड़ पाएगी और इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ेगी लेकिन अगस्त के बाद से आर्थिक स्थिति में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर में आपके खर्चे पर बहुत ज्यादा लगाम लगेगी और आप अच्छे धन लाभ अर्जित कर पाएगी जनवरी अप्रैल और अगस्त के महीनों में आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग बन सकते हैं वर्ष के शुरुआती चार महीने किसी भी तरह का निवेश करना नुकसानदायक और जोखिम भरा हो सकता है तुला स्वास्थ्य राशि पल दो हजार तेईस तुला राशि 2023 दो के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर होगी बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल वक्री होकर अष्टम भाव में मौजूद रहेगे चतुर्थ भाव में बैठे शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेगे और बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जो दीर्घकालिक बीमारी का रूप ले सकती है यदि कोई समस्या इस दौरान आपके सामने आती है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं और आवश्यक जांच भी कराएं ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बनेगी उसके बाद मई से जून के बीच फिर से सेहत बिगड़ सकती है इसलिए आपको ध्यान देना ही होगा अगस्त के बाद से धीरे धीरे स... स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा संजीदा हो जाएगी इसी के साथ आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे यही सोच आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी और आप पुरानी बीमारियों से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे जैसे ही नवंबर का महीना आएगा आप अचानक से काफ़ी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी दो में तुला राशि के लिए भाग्यशाली अंक तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव है और तुला राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक पाँच और आठ माना जाता है ज्योतिष के अनुसार तुला राशि दो के अनुसार वर्ष दो का कुल योग सात है इस प्रकार यह वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है और इस वर्ष आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा यदि आप उन पर ध्यान दे पाए तो भी अन्य क्षेत्र में उत्तम तरक्की कर पाएंगे चुनौतियाँ आती जाती रहेगी लेकिन आप उनसे घबराएगा नहीं और पूरी दृढ़ता के साथ उनका सामना करेंगे इसी वजह से यह वर्ष आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कराएगा और आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा आप एक उत्तम व्यक्ति बनेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे तुला राशिफल दो हज़ार तेईस उपाय आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री शुक्त का पाठ करें प्रतिदिन शुक्रदेव जी की बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा शुक्रवार के दिन मंदिर की महिला पुजारी को श्रृंगार की सामग्री भेंट दें आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार है तो आपके लिए गजेंद्रमोक्षोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पहला तुला राशि दो में अच्छे दिन कब आएंगे जुलाई 2023 में तुला राशि के अच्छे दिन आने की संभावना प्रबल है दूसरा 2023 में तुला राशि का भविष्य अंक क्या है तुला राशि वालों के लिए 2023 हजार तेईस आमतौर पर औसत रहने वाला है तीसरा तुला राशि का जीवन साथी कौन है तुला राशि के लिए ऋषभ राशि का जीवन साथी सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि दोनों राशियों के स्वामी शुक्र है चौथा तुला राशि को कौन सी राशि प्यार करती है तुला राशि को सबसे ज़्यादा कुंभ और राशि प्यार करती है क्योंकि ये दोनों राशियाँ प्यार करना और एक दूसरे का ख्याल रखना बखूबी जानती है पाँचवा तुला राशि का दुश्मन कौन है तुला राशि का दुश्मन कन्या और वृश्चिक राशि को माना जाता है छठा तुला राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए तुला राशि वालों को म्यूजिक डांस विजुअल आर्ट्स डिजाइनिंग आर्किटेक्ट्स पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग कस्टमर सर्विस और लॉ और ऑर्डर के क्षेत्रों में काम करना चाहिए